अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनन्या पांडे से, एनसीबी की पूछताछ की आज एक बार फिर से एनसीबी अनन्या पांडे से पूछताछ करेगी। और अब से थोड़ी ही देर में अनन्या से पूछताछ होने वाली है। कल रात जिस संदिग्ध ड्रग पेडलर को पकड़ा गया था अनन्या पांडे से, उसी ड्रग पेडलर के साथ आमने सामने की पूछताछ हो सकती है। दोनों को आमने सामने बिठाया जा सकता है और पूछताछ हो सकती है। इस बीच में खुलासा हुआ है कि आर्यन खान से चैट में अनन्या ने ड्रग्स की बात की है और आर्यन ने अनन्या से चैट में गांजे की मांग की। वहीं एनसीबी को जवाब देते हुए अनन्या ने कहा कि ड्रग्स चैट मजाक था। अनन्या पांडे का जवाब कि वो तो मजाक था, वो बातें तो मजाक में कही थी। तो अनन्या पांडे ये कह रहे हैं कि मजाक में उन्होंने कहा था कि हाँ मैं ड्रग्स मुहैया करवा दूंगी, गांजा मैं अरेंज करवा दूंगी। आर्यन खान ने सवाल पूछा था कि क्या गांजा अरेंज कर देंगे, तो अनन्या का जवाब था कि हाँ मैं कर दूंगी। लेकिन जब यही सवाल पूछा गया, चैट से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया अनन्या से, तो अनन्या ने कहा कि मैं तो मजाक कर रही थी, वो मजाक कर रही थी। एनसीबी को जवाब अनन्या का कि वो मजाक कर रही थी। अब मजाक क्या था आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंकुर त्यागी संवाददाता इस खबर पर डिटेल जानकारियां देंगे। अंकुर, चैट में क्या क्या खुलासा हुआ है या आप विस्तार से दर्शकों को बताएं, और साथ साथ में इस वक्त का अपडेट दीजिए कि आना तो 11 बजे था लेकिन अब कितने बजे आ रहे हैं अनन्या, और देरी की वजह क्या? देखिए अभी तक इस तरह का तो कोई कम्युनिकेशन सामने निकल के नहीं आया है कि 11 बजे आना था, अभी तक क्यों नहीं आ पाई हैं। हो सकता है जैसे कि कल भी उनको 2 बजे बुलाया गया था, वो 4 बजे तक पहुंची हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है आने वाले कुछ वक्त में वो यहां पर आ सकती हैं। जो जहां तक सवाल पहले सवाल का रहा ड्रग्स केस की, एक बार फिर से बात करते हैं जिसमें 5 बड़े खुलासे हुए हैं। वो 5 बड़े खुलासे क्या है, सिलसिलेवार आपको बताते हैं। आर्यन अनन्या के बीच में ड्रग चैट में बड़ा खुलासा हुआ है, और बड़ा खुलासा ये है कि चैट में आर्यन ने अनन्या पांडे से गांजे की मांग की थी। आर्यन ने कहा था कि मुझे गांजा चाहिए, सूत्रों के हवाले से खबर है, और आर्यन के लिए अनन्या पांडे ने गांजा अरेंज भी किया। अनन्या पांडे ने गांजा अरेंज भी किया, लेकिन जब सवाल इस बाबत एनसीबी ने पूछा, एनसीबी को अनन्या ने जवाब दिया कि वो तो मजाक कर रही थी। कई अलग अलग चैट में ड्रग्स के बारे में बात की गई है। ये 5 बड़े खुलासे हुए हैं। अंकुर त्यागी संवाददाता हमारे साथ बने हुए। अंकुर, आप सिलसिलेवार और विस्तार से बताएं इन खुलासों के बारे में जो नए हुए हैं। देखिए ये जो खुलासा है ये इस बात को लेकर है जो चैट्स हुई हैं और जिस चैट्स के बिहाफ पर कल सर्च ऑपरेशन भी किया गया था अनन्या पांडे के घर पे, और फिर उनको संबंध देकर एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया। तकरीबन 2 घंटे से के आसपास का वक्त था जब उनसे लगातार पूछताछ की गई है। ये वही चैट्स हैं जिनको 13 अक्टूबर को कोर्ट के सामने भी रखा गया था। जो ASG अनिल सिंह जो केस रिप्रेजेंट कर रहे थे एनसीबी का, उन्होंने ये चैट्स को रखा था और कहा था कि इसके अंदर जो कई अलग अलग लोगों के साथ आर्यन खान के ड्रग्स को लेकर कन्वर्सेशन हैं, और इसी बिहार में उनकी जमानत याचिका को रद्द करने की गुहार भी लगाई गई थी और जमानत याचिका रद्द भी हुई थी। अब हम चैट पे आते हैं। चैट में ऐसा क्या था? चैट के अंदर आर्यन खान और अनन्या पांडे इनके बीच में बातचीत हो रही है। आर्यन खान इसमें गांजा मांगने की बात कर रहे हैं अनन्या पांडे से। अनन्या पांडे कहती है आई विल अरेंज फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगी। और इसी चैट को सामने बिठाकर ये हम लगातार बता रहे थे जब पूछताछ होगी तो सामने उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा उन्हीं के चैट्स के साथ, और वही एनसीबी के ऑफिसर्स ने कल किया भी। अनन्या पांडे के सामने ये चैट रखा, उनसे पूछा कि ये बताइए इस कन्वर्सेशन का क्या मतलब निकाला जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तुम मैं मजाक कर रही थी, हम लोग इस तरह की बातें मजाक में कर रहे थे। तो यही बात है जो एनसीबी है अब ये पूरा का पूरा जो सबूत है वो लगातार इकट्ठा भी कर रही है। उनको आज फिर बुलाया गया है, आज फिर उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा। कल उनको जल्दी निकाल दिया गया था क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था सनसेट के बाद। आज वो कितने बजे आएंगे अंकुर, ये तो आप बताएं। लेकिन आर्यन की तरफ से तो ऐसा लगता है कि कंजम्पशन के लिए, सेवन के लिए बात है, लेकिन अनन्या कहां से अरेंज कर रही थी? उस अरेंजमेंट के लिए भी तो किसी के पास गए होंगी या फिर उन्होंने अपने पास से रखा था? और क्या इन चैट्स में अनन्या पांडे के कंजम्पशन के, उनके खुद ड्रग सेवन की कहीं बात या उनसे इससे जुड़ा हुआ सवाल क्या रखा गया था?
देखिए अनन्य पांडे के सामने सवाल यही थे कि आप इन चैट्स के ऊपर आपका क्या कहना है, अगर वो कह रही हैं कि मैं तो मजाक कर रही थी कि, तो एनसीबी के ऑफिसर्स का लगातार यही कहना था कि इस तरह की बातें मजाक में कौन करता है। अब फिर वही वाली बात आती है जो अमित देसाई जो कि अनन के वकील हैं वो लगातार कहते हैं तो यंग जनरेशन है, इनकी सोशल मीडिया लैंग्वेज अलग हो जाती है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, वो जो एक्चुअल उसका मीनिंग है वो नहीं निकाला जा रहा है। और उसी बात का फायदा यहाँ पर अनन्य भी उठाते हुए दिख रही है। अनन्य ने साफ तौर पर कहा कि ये जो बातें हमारे बीच में हो रही है मैं तो अरुण खान के साथ मजाक कर रही थी। तो यहां पर अभी सिर्फ एक चैट नहीं है, अलग अलग मौकों के ऊपर अलग अलग पार्टियों का यहां पर जिक्र भी किया गया था दोनों के बीच में है, उनको भी कन्फ्रंट कराया जाना है। आइडियली 11 बजे तक आ जाना चाहिए था अनन्या को, अभी तक फिलहाल नहीं आई है। उम्मीद यह है कि कल की तरह थोड़ी देर से ही सही अनन्या जरूर आएंगे और जांच में सहयोग जरूर करेंगे। उम्मीद तो सभी को है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो मजाक कर रही थी, अब सिस्टम का मजाक न बन जाए, ये ध्यान रखना होगा कि कहीं सिस्टम का मजाक न बन जाए, मखौल न उड़ जाए। इधर आर्यन खान की गिरफ्तारी 3 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन अपने बेटे से मिलने के लिए शाहरुख खान ने 18 दिन का समय लिया। लाख कोशिशों के बावजूद शाहरुख खान अपने बेटे को जमानत नहीं दिलवा पा रहे हैं। कल एनसीबी अधिकारियों के सामने शाहरुख खान की बेबसी झलक आई। आर्यन की रिहाई का इंतजार बढ़ता देख शाहरुख ने अधिकारियों से कहा कि उम्मीद करता हूं कि मेरा बेटा जल्द ही जेल से बाहर आ जाए। ये तस्वीर है बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की। ये तस्वीर है एक पिता की जो हर मुमकिन कोशिश करके भी अपने बेटे को जेल की सलाखों से बाहर निकाल नहीं पा रहा है। एक पिता की बेबसी को समझिए, उसका बेटा इतनी बड़ी मुश्किल में है, जिस बेटे को नाजों से पाला वो सलाखों के पीछे है, लेकिन एक मजबूर पिता अपने बेटे को गले भी नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि देश में कानून सभी के लिए एक जैसा है, फिर चाहे वो बॉलीवुड का बादशाह ही क्यों ना हो। ड्रग्स केस में आर्यन खान की रिहाई न होने से पिता शाहरुख खान किस कदर बेचैन है, उन्होंने किस तरह अपनी बेबसी एनसीबी अफसरों के सामने जाहिर की, जरा सुनिए। एनसीबी अफसरों से कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बेटा जल्द ही जेल से बाहर आ जाए। गुरुवार को बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। नियमों के मुताबिक जेल में बंद आरोपी से एक सप्ताह में एक बार और अधिकतम 20 मिनट तक के लिए मुलाकात की जा सकती है। शाहरुख खान और आर्यन खान के बीच भी मुलाकात 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में ही रही है। ये मुलाकात इंटरकॉम के जरिए हुई और इस मुलाकात के दौरान कुल 4 गार्ड्स वहां पर मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान और शाहरुख खान की इस मुलाकात के दौरान दोनों ही भावुक नजर आए। इस मुलाकात के बाद शाहरुख खान घर लौट गए। कुछ घंटों के अंदर एनसीबी के कुछ अफसर शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की टीम नोटिस देने पहुंची थी। नोटिस को खुद शाहरुख खान ने एनसीबी अधिकारियों से रिसीव किया। इस दौरान ही शाहरुख का दर्द झलका। अब बात ही कि एनसीबी ने मुंबई में शाहरुख खान के घर मन्नत पर छापा मारा है। जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि एनसीबी की टीम शाहरुख के घर आर्यन खान से जुड़े पेपर वर्क पूरा करने पहुंची थी। जी न्यूज की इस खबर पर एनसीबी ने भी मुहर लगा दी। सर, शाहरुख के घर पे भी टीम गई थी क्या? उनके घर पे सर्च ऑपरेशन हुआ एनसीबी का? नहीं, उनके घर पे कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ है। केस से रिलेटेड कुछ हमें जो प्रोसीजरल नीड थी वो हमने उनसे चीजें मांगी। आर्यन खान की बेल बुधवार को ही नामंजूर हो गई थी और गुरुवार को मुंबई की एनसीबी कोर्ट ने आर्यन खान की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी, यानी उन्हें अगले 9 दिन और जेल में बिताना होगा। हालांकि आर्यन खान के वकील ने सेशंस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने इस मामले में 22 या फिर 24 अक्टूबर को सुनवाई करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 26 अक्टूबर की तारीख दी। अब 26 अक्टूबर को यह तय होगा कि आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं। बार बार आर्यन की जमानत अर्जी खारिज होना और नामी ग्रामी वकीलों की फौज खड़ी करने के बावजूद बेटे को जेल से बाहर नहीं निकाल पाने की वजह से शाहरुख खान की बेचैनी बढ़ गई है और यही वजह है कि वो एनसीबी अधिकारियों के सामने अपनी बेबसी का इजहार करते नजर आए। मुंबई से राकेश त्रिवेदी, राजीव रंजन सिंह के साथ अर्कुल त्यागी, जी मीडिया मुंबई। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।